हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे व्लॉग के अंदर। अभी हम खड़े हैं पार्क के अंदर। ये पार्क है, इसको हम बोलते हैं इंद्रमणि पार्क। जो जिला हमारा उसके अंदर है, ये चूरू जिला। आपको मैं थोड़ा इसको दिखाता हूँ कि ये है कैसा। बहुत ही बड़ा है और मैं आज सोपटी खा रहा हूँ। खाने में बहुत अच्छी होती है। और जो आप जितने भी पौधे देख रहे हैं, ये सब मंदी के पौधे हैं। अपनी होने की वजह से सारी घास जल गई है। आप मेरे पीछे जितने भी घास ये है, ये घास सारी जल गई है एकदम। पहले ये सारा ग्राउंड एकदम हरा भरा था, लेकिन बरसात की कमी की वजह से, राजस्थान के अंदर बरसात नहीं होती है, तो सारी घास जल गई है एकदम। आप जितने भी घास देख रहे हैं, ये सारी जल चुकी है। और ये आप एक पेड़ देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता कौन सा वृक्ष है ये। और आसमान में बादल छाए हुए हैं। के अंदर जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं, वो शाम के घूमने के लिए आते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि उन उधर आदमी हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, वो इधर आके आराम करते हैं शाम के वक्त। आगे भी बुज़ुर्ग लोग बैठे हैं, मैं आपको वीडियो में पीछे दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो सब बुज़ुर्ग लोग हैं जिनकी एज लगभग 70 से ऊपर है सबकी एज। और पार्क के अंदर एक बना हुआ है चलने के लिए, इधर लोग चल सकते हैं, ये बैठने के लिए बैठ सकते हैं। ये बैठे हैं लोग, बुज़ुर्ग लोग बैठे हैं इधर। ये पानी के लिए था वाटर पार्क, जो अभी पानी तो नहीं है, शायद बंद है। तो मैंने आज आपको ये पार्क दिखाने की कोशिश की है। उधर बच्चों के लिए झूले भी बनाए हुए हैं, जो आपको दिख रहे हैं। आगे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, वो आगे वाली वीडियो में दिखा दूंगा मैं। अभी तो मेरी बस है गांव के लिए, तो मैं घर के लिए जा रहा हूँ, रवाना हो रहा हूँ। लेकिन ये पार्क के अंदर आप पेड़ देख सकते हो, कितने पेड़ हैं, कितना मस्त नज़ारा है ये। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।